વાપીમાં ઉત્તર પ્રદેશમાં એનડીએના સાથી રાજકીય પક્ષ એવા નિષાદ પાર્ટીના અધ્યક્ષ ડોક્ટર સંજય નિષાદે ભાજપના ઉમેદવાર માટે પ્રચાર કર્યો હતો। ગુજરાતમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈને હાલ તમામ પક્ષો સ્ટાર પ્રચારકો સાથે ચૂંટણી પ્રચારમાં લાગી ગયા છે, ત્યારે આ વિધાનસભા ચૂંટણી ભાજપ કોઈ પણ હિસાબે જીતવા માંગતી હોય તેમને સ્ટાર ચૂંટણી પ્રચારકોને મેદાનમાં ઉતારી જોર શોરથી ચૂંટણી પ્રચાર શરૂ કર્યો છે। જે અંતર્ગત ઉત્તર પ્રદેશમાં એનડીએની ઘટક દળ મનાતી નિષાદ પાર્ટીના અધ્યક્ષ ડોક્ટર સંજય નિષાદ ચાર દિવસ ગુજરાતના વાપી સહિતના શહેરોમાં ભાજપ માટે ચૂંટણી પ્રચાર કર્યો હતો। मैं ब्यास मनी निषाद, निषाद पार्टी प्रांतीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश गोरखपुर में, और हम लोग यहाँ प्रचार के वास्ते आए हैं। और निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी का अलायंस पार्टनर है, जैसा कि आप जानते भी हैं कि आज उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी ने 11 सीटें बना जीता है, हम लोग जीते हैं और एक विधायक है और मंत्री हमारे हैं। और ख़ासतौर पर गुजरात विकास का एक केंद्र जो पूरे देश में एक संदेश दिया और प्रधानमंत्री दिया है, और प्रधानमंत्री जी ने मछुआरों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत हम लोगों को लाभ मछुआरों को देने का काम किया है। जैसे गुजरात में हमारे मच्छीमार है, भोई हैं, और केवट मल्ला, धीवर माझी, एकवार जल छत्री, गुड़िया, सुरैया, खुलवट, चाई हम लोग लिखते हैं उत्तर प्रदेश में। इस प्रकार से हम लोग अलायंस पार्टनर के तहत हम लोग निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के निर्देशानुसार हम लोग गुजरात प्रवास पर हम लोग आए हैं। और निषाद पार्टी उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के जो विकसित राज्य हैं और भी जो स्टेट हैं वहाँ भी जाकर हम लोग संदेश देने का हम लोग कार्य कर रहे हैं। और जैसा कि कल सूरत में माननीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का आगमन होना है, जैसे सूरत में है, अहमदाबाद में है, इस क्षेत्र में है, और हम लोगों ने तो वापी में कल ही हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी के माध्यम से हम लोग यहाँ कदम डेरा अपना डाले हुए हैं। जैसा कि हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी ने बताया 50 समथिंग हम लोग आ चुके हैं, 50-60 लोग और हमारे बीच में भी उपस्थित हो रहे हैं। और संदेश देने के लिए कि हम लोग निषाद वंशज हैं, जहाँ प्रभु राम को हम लोगों ने पार किया था। अयोध्या में आप जा सकते हैं, देख सकते हैं कि प्रभु राम का विशाल एक मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसके पहले प्रदेश और देश में बहुत सरकार थी, कांग्रेस की भी सरकार रही, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही, और राम मंदिर बनने के नाम पर बहुत खून खराबा होता था। लेकिन जब से निषाद पार्टी आई है तो समता, ममता, न्याय, बंधुत्व की स्थापना और सनातन धर्म की एक बेहतर स्थापना के लिए प्रभु राम का बेहतर मंदिर का निर्माण हो रहा है। और जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने 56 फुट का निषाद राज का मंदिर श्रृंगवीरपुर धाम है, जहाँ से प्रभु राम नंगे पाँव सबसे पहले महाराज अघोराज निषाद जी के दरबार प्रयागराज से आप जैसे 33 किलोमीटर दूरी पर बढ़ेंगे तो श्रृंगवीरपुर धाम है, जहाँ 3.5 किलोमीटर की दायरे में महाराजा अघोराज निषाद का किला है। उस किले का 56 फुट का निर्माण पहली भारतीय इतिहास में पहली ऐसी सरकार है और ऐसा प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने 56 फुट की मूर्ति महाराजा अघोराज निषाद का वो मूर्ति लगा रहे हैं। तो निषाद वंश के लोग बहुत प्रफुल्लित हैं, जैसे गंगा के किनारे, समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे, जलाशय के किनारे ये जातियाँ अधिकांश लोग रहते हैं जो मछली से संबंधित तालमेल रखते हैं और जल से संबंधित तालमेल रखते हैं। ये सारी जातियाँ प्रफुल्लित हैं और पुनः चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में यहाँ है भी, लेकिन पूर्व कार्यकारिणी को मजबूत करने के लिए हम कार्यकर्ता अभी से लगे हुए हैं। जी आपका नाम और डेजिग्नेशन? संजय शुक्ला, प्रदेश उपाध्यक्ष निषाद पार्टी उत्तर प्रदेश। खास करके आज आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, क्या कारण है और यहाँ पर जिस तरह से अभी चुनाव जो चल रहा है उसमें हमारी ओर से क्या मदद कर रहे हैं? हमारी निषाद पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष महामना डॉक्टर संजय निषाद जी, कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के द्वारा समस्त गुजरात में सभी जनता को बीजेपी के साथ वोटिंग करने के लिए, रहने के लिए, समर्थन के लिए जो हमारे उत्तर प्रदेश से प्रांतीय अध्यक्ष श्री बाबूलाल निषाद जी, बाबूराम निषाद जी, श्री व्यास जी पहले से आ चुके हैं और हर जगह सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद सब जगह निषाद पार्टी के कार्यकर्ता आए हुए हैं। निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में एक सहयोगी दल है, न कि उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। और भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे में कंधा मिला करके हमारी पार्टी समस्त जनता से अनुरोध और आह्वान करेगी, करती है कि वो भारतीय जनता पार्टी को भारी से भारी बहुमत से विजयी बनाए। और ये गुजरात जो भारतीय जनता पार्टी का हार्ट है वो हमेशा धड़कता रहे, जिंदा दिली रहे। इसके लिए गुजरात के जनता से बार बार आग्रह है कि भारी से भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ बहुमत से विजयी दिलाएं।
ऐसे कि वरना मैं ऐसे बीच में आ जाऊँ, मुझे इधर आना है तो मैं बीच में आ जाता हूँ। बराबर ओके। आपका नाम डेजिग्नेशन? मेरा नाम बाबूराम निषाद, मैं उत्तर प्रदेश निषाद पार्टी का प्रांतीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रचारक हूँ। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के दिशा निर्देश पर हम लोग आए हुए हैं। कल ही हम लोग आ चुके हैं और बाकी बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता हैं जो प्रदेश में पहले से आ चुके हैं गुजरात में। उनका आदेश है कि जो हम NDA के घटक दल हैं, उत्तर प्रदेश में NDA के घटक दल हैं, उत्तर प्रदेश में हमारे 11 विधायक, कैबिनेट मंत्री, MP MLA सारे लोग हमारे हैं, तो उन्होंने कहा अगर हम NDA के घटक दल उत्तर प्रदेश में हैं तो हमें सूरत में भी अपने लोगों को चल के जिताना चाहिए। और हमारे यहाँ जो मछुआ समुदाय है, निषाद की वटमल्ला कश्यप मत्स्य जो भी हमारे बिरादरी के लोग हैं, उनसे सबसे आह्वान है, गुजरात की जनता से आह्वान है कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का काम करें। मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, डॉक्टर संजय कुमार निषाद चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के योगी जी लड़ रहे हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, इस सारे लोगों को मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। और जिताने के लिए हम लोग आ रहे हैं। कल कैबिनेट मंत्री मामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का सूरत में आगमन है, उस आगमन की तैयारी चल रहा 27 में, मतलब 26, 27, 28, 29 तक यहाँ पर मंत्री जी रहेंगे, उसकी तैयारी के लिए हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कितने लोग आप यहाँ पर आए हैं? यहाँ पर लगभग हमारे बाहर से 50 लोग आ चुके हैं और ऑलरेडी पहले से यहाँ पर गुजरात में हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। खास करके गुजरात खुद ही एक विकास का मॉडल है, तो इसमें आप कौन सा विकास के मॉडल की बात करें? नहीं, विकास मॉडल हम भारतीय जनता पार्टी के NDA के घटक दल हैं, हम उनके सहयोगी हैं, तो अगर जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है हम उनके जाकर सहयोग करने का प्रयास करते हैं।